ए माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अगर प्लस हो तो माइनस टू ए बी की जगह प्लस है, ठीक है। उसके बाद सेट आ रहा है उसमें तो यूनियन, हाँ ये सब तो ठीक है। तू अभी कर पा रहा है यार, अभी तो तुम्हारा सेशन ही शुरू हुआ है, तुरंत तुम्हारा एग्जाम हो रहा है। अरे क्या होता है, इस बार एडमिशन लिया तो अब बोला जाता है हर हफ्ते एग्जाम होगा, और एग्जाम होने पे नहीं अगर अच्छा नहीं किए तो पेरेंट्स को बुलाएगा। अब उस चक्कर में तो हम लोग को भी पढ़ना पड़ता, और भी कल 80 नंबर का सिर्फ मैथ्स का पेपर, हम लोग फाइनल एग्जाम आज तक 80 नंबर का नहीं लिखा। बोला जाता लिखना भी सब है और मैथ्स का पेपर है कल, बहुत टेंशन हो रहा है यार, क्या होगा कल। आजकल पता नहीं स्कूल वाले लोग को क्या हो गया, ऐसा ऐसा चीज निकालेंगे घटिया चीज कि जिसे हम लोग को चिंता में आ जाते हैं। अरे एग्जाम लो, सिर्फ फाइनल एग्जाम लो, पूरा पढ़ेंगे नहीं, बीच में यूनिट टेस्ट लेंगे, फिर क्या क्या बीच में लेंगे, उसे चक्कर में जो पढ़ने वाला रहता है ना वो बिना टेस्ट का भी पढ़ ही लेता है। हम लोग तो वैसे बच्चे हैं ना जो 80 नंबर का पेपर में अगर 40 भी लिख लिए ना तो बोलेंगे चलो पास तो कम से कम हो जाएंगे। एक एग्जाम में हम लोग दो चीज का बचत करते, पूरे कंट्री को हम लोग को प्राइज देना चाहिए, ऊपर से और फेल कर देता टीचर हम लोग को। अरे तुमको नहीं पता आजकल क्या चल रहा, पेड़ बचाओ पेड़, पेड़ ही ना काट के हम लोग का एग्जाम का पेपर बनता, ऊपर से इंक बचाते, दो चीज हम लोग कितना एग्जाम में बचाते तब भी देखो हम लोग को फेल कर देता है लोग। अच्छा सुन ना, तुम लोग तो 12th पास आउट हो गए हो, तो तुम लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ कि मैथ्स का भी पेपर है, तो तुम लोग क्या सोचते हो, कुछ हमको बताओ कि कल यूज हो सके। देखो टिप में तो तू देगा भाई, तुम टिप मत दे, तुम तो अभी पता नहीं, तुम 12th भी लग रहा 5-6 बार फेल हो चुके, तुम टिप मत दे, छोड़ दे छोड़। अच्छा छोड़ो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा चीज लेकर आया हूँ, ये लो पेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेन है और बहुत खास पेन है। ये पेन से तुम जितना नंबर का भी लिखोगे उससे ज्यादा नंबर का आएगा। मैंने 40 नंबर का लिखा, मुझे 60 आया, इसने भी लिखा लेकिन इसको नंबर नहीं मिला क्योंकि इसने पूरा पेपर खाली छोड़ा था। लो तुम लो और जाओ इसी से कल एग्जाम लिखना। अरे मैंने तो उस पेपर में लिखा था, मैंने लिखा था अगर तुम में हिम्मत है तो मुझको पास करके दिखाओ, तब भी उसने फेल किया, इससे मतलब उसमें हिम्मत नहीं है। ये पेन, इस पेन सही में ऐसा होगा भाई, ऐसा हो गया तो तुम जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा, बस इस पेन का कमाल कल हो जाए। आधा घंटा है, ठीक है सर, पेन कहाँ गया। ए भगवान जी, खानदानी पेन है, सब पास हुआ है, मुझको भी पास कराना, लिखना लिखो सर। हाँ ठीक, और ये पेन चल ही नहीं रहा, साले ने धोखा दे दिया, खानदानी पेन की जगह मुझे बिना इंक पेन दे दिया, मैं और दूसरा पेन लेके भी नहीं आया था, क्या होगा। तुमने कल उसको झूठ का है बोला कि वो पेन हम लोग का खानदानी है, सब पास हुआ है। भाई ऐसा पेन होता तो मुझको देता, मैं फेल हो गया 0 नंबर से। सच सच क्या हुआ, बदल क्या तू सोचा है उसके बारे में, कुछ घर पर तू पक्का किया होगा, इतना तो हम 100% बोले, चल बता। तुम्हें लगता है मेरे पास कोई ऐसा पेन होगा, अरे मैं खुद अभी तक 10 में नहीं पास किया, उसको लगता है मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं आज तक 10 नहीं पास किया, अगर मेरे पास ऐसा कोई पेन होता तो मैं आज का कौन कौन सा एग्जाम पास कर देता। हम लोग फेल हो रहे हैं, वो पास हो जाए ऐसे हम लोग होने देंगे, इसलिए उसको मैंने बिना अंक का पेन दिया था, समझा, बिना अंक का।